इस वेले की सब तो वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं कि वारिस पंजाब जथेबंदी के मुखी भाई अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया आ। पंजाब पुलिस अते केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां दे सांझे ऑपरेशन दे विच अज अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी सवेरे 7 बजे हुई है अते मोगा दे पिंड रोडे तो गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल सिंह नूं पंजाब दे मोगा जिले दे पिंड रोडे तो अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार किया गया। रोडे पिंड दे विच ही वारिस पंजाब जथेबंदी दे मुखी वजों भाई अमृतपाल सिंह दी दस्तारबंदी भी की गई सी अते उसे पिंड तो अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार किया गया। 18 मार्च तो लगातार पंजाब पुलिस भाई अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी करन दे लई अमृतपाल सिंह दा पिछा कर रही सी। कदे सीसीटीवी फुटेज बाहर आउंदियां सन, कदे लोकेशन ट्रेस किया जा रहा सी, पर लगभग 36 दिनां दी भाल तो बाद हुण पंजाब पुलिस अते केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां दे सांझे ऑपरेशन दे विच अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया आ। इस तों पहलां वारिस पंजाब जथेबंदी दे नाल जुड़े 9 व्यक्तियों नूं भी गिरफ्तार करके उन्हां दे उत्ते NSA लगा के असाम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच भेज दिता गया सी, जिन्हां दे नाम सन पप्पलप्रीत सिंह, दलजीत सिंह कलसी, प्रधानमंत्री बाजे के, हरजीत सिंह, वरिंदर सिंह जोहल, बसंत सिंह, गुरमीत सिंह बुक्कणवाल, कुलवंत सिंह रौंके, गुरिंदरपाल सिंह, जिन्हां नूं गिरफ़्तार करके असाम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच भेज दिता गया सी। हुण अमृतपाल सिंह की गिरफ़्तारी हुई है अते ये भी उम्मीद की जा रही है कि उन्हां दे उत्ते भी NSA लगा के असाम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच अमृतपाल सिंह नूं भेजा जाएगा। अज सवेरे 7 बजे मोगा दे पिंड रोडे तो गिरफ़्तारी हुई है अमृतपाल सिंह दी। लगातार 36 दिनों तो पंजाब पुलिस अते केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां पूरे भारत दे विच भाई अमृतपाल सिंह दी भाल दे विच लगियां हुई सन अते हुण मोगा दे पिंड रोडे तो अमृतपाल सिंह दी गिरफ्तारी हुई है। अज सवेरे 7 बजे गिरफ़्तारी हुई है। इस वेले दी वड्डी अपडेट है कि वारिस पंजाब जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह दी गिरफ़्तारी हो चुकी है। उन्हां दे नाल संबंधित अते वारिस पंजाब जथेबंदी दे नाल संबंधित पहलां सैकड़े नौजवानों दी गिरफ़्तारियां हुई सन, जिन्हां नूं बाद दे विच एक वार्निंग दे के छड़ दिता गया सी अते 9 व्यक्तियों के उत्ते NSA लगा के असाम की डिब्रूगढ़ जेल के भेज दिता गया सी। बीते दिनों अमृतपाल सिंह दे बड़े करीबी साथी पप्पलप्रीत सिंह की भी गिरफ़्तारी हुई सी। हुण 36 दिनों तो बाद अमृतपाल सिंह की भी गिरफ़्तारी हुई है। मोगा दे पिंड रोडे तो अमृतपाल सिंह की गिरफ़्तारी हुई है। इस वेले की वड्डी अपडेट तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं कि अमृतपाल सिंह नूं अज सवेरे 7 बजे पंजाब पुलिस अते केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां दे सांझे ऑपरेशन दे विच गिरफ़्तार किया गया मोगा दे पिंड रोडे तो। पर हाले तक ये स्पष्ट होना बाकी है कि की अमृतपाल सिंह ने अपनी गिरफ़्तारी आप दित्ती है जां सुरक्षा एजेंसियां ने गिरफ़्तार किया अमृतपाल सिंह नूं, जां अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया, ये हजे स्पष्ट होना बाकी है। इस मामले दे उत्ते पुलिस का ऑफिशियल बयान आना भी हजे बाकी है कि की अमृतपाल सिंह नूं गिरफ़्तार किया गया या जां अमृतपाल सिंह ने आप सरेंडर किया है। तो पहलियां तस्वीरां बाहर आ चुकियां ने गिरफ़्तारी दियां, सब तो पहलियां तस्वीरां ने जिहड़ियां वह बाहर आ चुकियां ने। तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं कि सवेरे 7 बजे दियां तस्वीरां कहियां जा रही ने कि मोगा दे पिंड रोडे दियां तस्वीरां ने जिथों अमृतपाल सिंह नूं गिरफ़्तार किया पुलिस ने। यह स्पष्ट होना हजे बाकी है कि गिरफ़्तार किया गया जां अमृतपाल सिंह ने खुद सरेंडर किया है। तो मोगे दे पिंड रोडे दियां ये तस्वीरां ने जिस पिंड दे विच अमृतपाल सिंह दी दस्तारबंदी की गई सी वारिस पंजाब जथेबंदी के दूजे मुखी के वजो। इस पिंड ही अमृतपाल सिंह की दस्तारबंदी की गई सी, इसे पिंड हुण अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है। मोगा दे पिंड रोडे दे विच अमृतपाल सिंह नूं अज सवेरे 7 बजे पंजाब पुलिस अते केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां ने गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तारी दियां पहलियां तस्वीरां सामने आ चुकियां ने। इस दे नाल नाल एक वड्डी जानकारी ये भी है कि गिरफ़्तारी देण तो पहलां अमृतपाल सिंह ने रोडे पिंड दे गुरद्वारा साहिब दे विच प्रचार भी किया सी। नशियां दे खिलाफ़ प्रचार किया गया, अमृतपाल सिंह ने नौजवानों नूं नशियां दे खिलाफ़ लामबंद होण दे लई प्रचार किया। तां इस वीडियो दे नाल किते किते ये स्पष्ट हो रहा है कि अमृतपाल सिंह दे वल्लों सरेंडर किया गया हो सकता है। अमृतपाल सिंह ने गिरफ़्तारी नहीं हुई, अमृतपाल सिंह दे वल्लों खुद सरेंडर किया गया हो सकता है, पर पुलिस का ऑफिशियल बयान इस मामले के उत्ते आना बाकी है। पर रोडे पिंड दे विच अमृतपाल सिंह दे वल्लों गिरफ़्तारी तो पहला
कथा की गई है, प्रचार किया गया गुरु घर के नौजवानों नशियां के खिलाफ अमर छकण के लिए अमृतपाल सिंह दे वल्लों प्रचार किया गया पिंड रोडे दे विच। सतगुरु साहब सच्चे पातशाह के पावन हजूरी च जुड़ के बैठे हैं, गुरु वालों बख्शी फतेह की सांझ पाओ, कज के रखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज इस पवित्र स्थान पर संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंड नाले का जन्म स्थान है, जिस स्थान तो मेरी दस्तारबंदी हुई तो आप कौम का यह कार्य आरंभिया, अज उस स्थान पर इस कौमी कार्य न चलद एक जीवन के बड़े अहम मोड़ से आप आ खड़े हैं। पिछले एक महीने तो जो कुछ वापरिया वो तुम सारा कुछ वेख्या, मैं दोहराना नहीं, थोड़े समय से संखेप आप गल लबेट देनी है। एक महीना पहला जो हुकूमत ने जबर सिखा ढाया उस जबर न जड़ा प्रतख इस करके हो गया, जे कल गिरफ्तारी की गल होंगी तो शायद गिरफ्तारी के बहुत तरीके से जिन्हों ने मैं सहयोग भी करता, पर जो चेहरा हुकूमत का नंगा होना सी दुनिया भर के सामने होया, जो सिख नौजवानों के जबर ढाया गया। देखो सतगुरु सच्चे पातशाह की कचहरी के असी दोषी नहीं, दुनियावी कचहरी से असी दोषी हो सकते हैं। सो एक महीने तो बाद असी अज फैसला किया कि इस धरती से लड़े हाँ, इस धरती से लड़ांगे, धरती छड़ के कितने नहीं जाते। सो इस करके जिहड़े झूठे केस साढ़े ते परचे पए ने इन्हां दा सामना असी अदालत च कर लांगे। तो संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद करना है। देखो संगत दीआं अरदासां तों बिना ना तो एडे घेरियां चों निकल जाणा संभव हुंदा, संगत दीआं अरदासां तों बिना ना तो इन्ना लम्मा समा जिहड़ा रूप होश हो जाणा संभव हुंदा। इह संगत दीआं अरदासां ते गुरु साहिब दी कृपा सदका सारा कुछ वापरिया। अज उस स्थान दे उत्ते असीं आप गिरफ्तारी देण दा फैसला कीता। इह गिरफ्तारी जिहड़ी है इह अंत नहीं, इह शुरुआत है। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, ये जो झूठ का पलंदा साढ़े खिलाफ सिरजा गया है यू भादा संसार जो सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करके भनणगे, तो सीधे ही संगत के जोड़े असी रूबरू जो सन्मुख हो के संगत विचरेंगे। जिहड़ी अमृत संचार की मुहिम जिहड़ी खालसा विहीर असी शुरू की सतगुरु ने साढ़े को आप कराई है, उस खालसा विहीर मुड़ आरंभांगे। पर नौजवानों को एक मेरी अपील है भी जिस खड्डे बाटे की जिहड़ी पौल छक रहे थे असी, जिहड़े नशियां तो दूर हो रहे सी, उस तो तंग आ के हुकूमत ने सारा कुछ किया। तो हुकूमत तां जित सकती है जे असी खंडे पार्टी की पौल तो भगौड़े हो जाइए, पर जे अज असी इस दा जवाब इस तरीके ना देईए कि बस चढ़ के नौजवान खंडे पार्टी की पौल छकन, नशे त्याग के गुरु दे लड़ लगन ते पंजाब दे हक्कां लई संघर्ष करन, ते फिर हुकूमत सानू नहीं हरा सकती। सो मेरी नौजवानों ने बेनती है कि साडी गैर हाजिरी दे विच इदा नहीं समझना कि हूँ असं अमृत नहीं छकना, अमृत गुरु का है, साढ़े वर्ग के हजार आवगे हजार जाएंगे। सो इस करके तुम अमृत छकना है, खंडे पाठ की पौल छक के अमृतधारी होना, शस्त्रधारी हो के जीवन बतीत करना। सो इन बेनती मैं शुकराना सारी संगत का करना, सारी संगत ने जिन्ना प्रेम बख्शिया है देशों विदेशों के उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सतगुर कृपा करन तुम अरदास बेनती जारी रखनी है क्योंकि अमृतपाल सिंह की खबर आ रही कि उन्होंने सरेंडर करवाया गया है, सर की है पूरा मसला, किन्ने बजे भाई साहब आए थे इत्थे ते किन्ने बजे सरेंडर जिहड़ा कीता गया उन्होंने? रात लेट इत्थे आए आ रोडे पिंड च, ते मैनू भी पुलिस तो पता लगा कि वह अज रोडे पिंड तो गिरफ्तारी दे रहे, मैं भी तकरीबन उन्होंने गिरफ्तारी तो थोड़ा चिर पहला ही इत्थे मैं पहुंचा, तो मैं उन्होंने गिरफ्तारी तो पहला मिलिया, मिल के सारी गलबात भी की, उन्हें दस्या उन्हें खुद ही कहता कि मैं गुरद्वारा साहब मत्था टेकन तो बाद संगत को संबोधन करूँगा, वो मैं खुद ही अपने हालात दस दूँगा कि मैं गिरफ्तारी अपनी मर्जी ना दे रहा, हूँ तक गिरफ्तारी ना देने की कारण सी ये मैं खुद ही दस दाँगा। उन्होंने गुरद्वारा साहब मत्था टेकया, पंज पाठ चौबी साहब के किए, वो तो पहला अपनी किट तैयार की, चोले पाए, परने पाए, कंघे दो लए, चप्पलां लईयां, चोले पाए, सो ये सारा तैयारी करके फिर गुरद्वारा साहब गए, फिर उन्होंने मत्था टेकन तो बाद संगतां नूं संबोधन किया, ब्रीफ जिहा उन्हें दस्या कि इस तरह करके आ कारण सी जिन्हां करके मैं गिरफ्तारी देने दे विच लेट रहा, नाल उन्होंने संगतां दा धन्नवाद किया जिन्हां ने हुण तक मैनूं सांभिया, जिन्हां ने अरदासां कीतियां, जिन्हां ने पाठ कराए, चौबी साहब दे जपजी साहब दे पाठ किए, उन्हां सारयां दा धन्नवाद किया, जिन्हां संगतां ने उन्हां ठहरां दित्तियां,
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਫੇਕ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਸਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸਲੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਠੀਕ 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਚਿਤ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਆਈ ਜੀ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ SSP ਅਜਨਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ